हम लोग एपी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करना उसे। तो देखिए 12 क्वेश्चन में टू एपी सीरीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब पहली एपी सीरीज फर्स्ट एपी इसका फर्स्ट टर्म A1, ठीक है, और A1 प्लस डी और A1 प्लस सेकेंड एपी, दो एपी सीरीज है और दोनों एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सेकेंड एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी डी होगा बट इसका सेकेंड टर्म ए होगा, इसका फर्स्ट टर्म ए टू। तो क्वेश्चन क्या था, टू एपी सीरीज है और दोनों एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, यानी इस सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 तो सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने A2 कंसीडर कर लिया। समझ में आ गया, A2 कर लो, A' कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। अब इधर ध्यान दीजिए, हमने पहली एपी सीरीज बना ली और सेकंड एपी सीरीज, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स, तो इस सीरीज का T100, ठीक है, और लिख लो फर्स्ट मतलब फर्स्ट एपी सीरीज, यहां फर्स्ट लिख दिया फर्स्ट एपी, और माइनस T100 ऑफ सेकेंड एपी, तो उसने कहा है कि फर्स्ट एपी सीरीज का जो T100 है और सेकेंड एपी सीरीज का T100 है उसका डिफरेंस कितना है 100, डिफरेंस कितना है 100। अब फर्स्ट एपी सीरीज का T100 A1 प्लस 100 माइनस 1 डी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी है, T100 सेकेंड एपी सीरीज का, तो सेकेंड एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म A2 प्लस 100 माइनस 1 इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, अब ब्रैकेट को हटा दीजिए तो A1 प्लस 90 माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100, तो 99D से 99D आप कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। अब फाइंड क्या करना, बोले इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, मतलब पहले एपी सीरीज का T1000 और दूसरी एपी सीरीज का T1000 को हमें फाइंड करना है, तो A1 माइनस A2 100 आ गया और फर्स्ट एपी सीरीज का T1000, तो T1000 फर्स्ट एपी माइनस T1000 सेकेंड एपी इक्वल T1000, मतलब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू माइनस
सेकंड एपी सीरीज का टी 1000 मतलब सेकंड एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए टू है ना, प्लस 1000 माइनस 1 इनटू उधर आएगा ए 1 प्लस 990 माइनस ए 2 माइनस 990, इससे कैंसिल हो गया तो ए 1 माइनस ए 2 आया और ए 1 माइनस ए 2 की वैल्यू कितनी है 100। आंसर क्या है इसका, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो थ्री डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है 7 से डिवाइड होने वाला थ्री डिजिट वाला नंबर। तो पहला नंबर होगा 105, इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है, 7 3 7 1 3 5, हाँ 7 का डिवाइड। सेकंड वाला थ्री डिजिट वाला नंबर 1112, इसमें भी 7 का डिवाइड हो रहा है, फिर 119, इसमें भी 7 का डिवाइड हो रहा है। अब लास्ट वाला जो नंबर है जिसमें 7 का डिवाइड हो रहा है वो क्या रहा है कि 7 से डिवाइड होने वाले थ्री डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर। तो पहला थ्री डिजिट वाला, दूसरा थ्री डिजिट वाला, तीसरा थ्री डिजिट, लास्ट में थ्री डिजिट वाला क्या होता है सबसे बड़ा नंबर 999। इस 7 से डिवाइड हो रहा है करके देख लो, 7 2 7 नहीं हो रहा है, फिर 998 को चेक करो, इधर आएगा 1 2, इधर 1 ए भी नहीं हो रहा, 997 देख लो, तो 7 से 2 आएगा 29, 7 4 28 ए भी नहीं हो रहा। इसके बाद 776 देखो, हमने पहले थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चेक किया है, उसके बाद एक एक नंबर नीचे आते जाएंगे। इसमें हो रहा है 7 का डिवाइड, तो इसमें 7 2 70 29, 7 4 28, 116 नहीं आएगा, 995 भी नहीं होगा, 994। तो लास्ट जो डिजिट है वो है 994, इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है। तो 7 का डिवाइड 9 में, 7 बन जा 7, बचे 2 और 2 इसके साथ 29 हो जाएगा, तो 7 का 29 में डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 बचा 1 और 1 4 14। अब हमारे पास टोटल नंबर पता चल गए हैं, मतलब स्टार्टिंग के कुछ नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर पता कर लीजिए जो 7 से डिवाइड हुआ। अब इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे, तो जब कोई सीरीज गिवन होती है उस सीरीज में टोटल नंबर हमें पता करना है, तो हम लिख देते हैं इसमें टोटल नंबर एंड टर्म्स होंगे। और जब इस सीरीज में एंड टर्म्स होंगे तो टीएन क्या होगा, सीरीज का लास्ट वाला टर्म। तो टीएन का फॉर्मूला, टीएन और एएन एक ही होता, कभी एएन लिख देते हैं कभी टीएन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एएन और टीएन अलग अलग होगा, एएन और टीएन सेम माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी इक्वल टू 994, ए की वैल्यू सीरीज का फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट 7 है, इसको साइड ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, तो 9 n-1 इंटू 7 इक्वल टू माइनस करो इसको, तो इधर 14 में से 5 माइनस होगा तो 9 आएगा, और 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा,
इधर 9 में से 1 माइनस होगा तो इधर भी 7 का इसमें डिवाइड होगा तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 9 अपॉन 7 डिवाइड करो 7 को इधर आएगा 1 1 18 4 और 4 बचा 9 7 7 या 49 तो n इक्वल टू 147 प्लस 1 तो n इक्वल टू 1 तो 3 डिजिट वाले टोटल नंबर 148 होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इधर फिर से करिए। 7 बन जा 7 इधर 1 आया 7 2 जा होगा क्योंकि 7 2 जा 44 इधर भी 2 आएगा तो 128 समझ में आ गया। एक बार आप चेक कर लो तो इधर 7 से 1 इधर 1 बचा 18 7 2 जा 14 2 4 49 7 7 जा 14 तो 128 टर्न होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। उसने कहा है कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल वाले टोटल कितने नंबर, तो पहला कौन सा होगा 12, दूसरा कौन सा होगा 16, फिर 20 और लास्ट वाला बताओ 250 के पहले वाला 248 होगा। 248। अब इसमें ये पता करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n, तो tn क्या होगा सीरीज का लास्ट वाला टर्म 248, तो tn मींस a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 248, a की वैल्यू 12 n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 248 तो अब ले जब d की वैल्यू आ रखते हैं यहां पर d कितना होगा 4 तो 248 माइनस 12 तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 माइनस करो इसमें तो 12 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 6 इधर आएगा 3 तो 236 अपॉन 4 अब 4 का डिवाइड करो तो 4 का डिवाइड 23 में कितने टाइम्स 5 टाइम्स 4 5 के 23 4 9 जा 36 तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के मल्टीपल वाले टोटल नंबर आपके 60 होंगे। तो समझ में आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं 240 इसका लास्ट टर्म होगा, ए की जगह 12 डी की जगह 4, 12 साइड लेकर तो 236 आएगा माइनस करने पर, फिर हमने 4 का डिवाइड किया तो 4 5 जा 20 और 3 36 तो 4 9 जा 36 अपॉन ऑफ साइड है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे टोटल 60। तो आज की क्लास में 80 में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको एक बार आप लोग अच्छे से समझेंगे फिर उससे सॉल्व करेंगे।